बात करें यहाँ से अगर चने की, तो चने की कीमतों को हमने बीते हफ्ते में जब क्लोजिंग आई थी, बीते कारोबारी हफ्ते की क्लोजिंग हुई थी फ्राइडे को NCDX पर चने की, तो हमने 5200 के लेवल्स आते हुए देखे थे। और अब भी देख रहे हैं कि जब इस कारोबारी सप्ताह की शुरुआत हुई तो चने की कीमतें 5000 के घरों में जाती हुई नज़र आई थी, और आज हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन चने की कीमतें 5200 के आसपास कारोबार करती हुई नज़र आई थी सुबह के कारोबारी सत्र में। हमने दो दिन के अंदर अंदर चने की कीमतों में 200 पॉइंट की बढ़त बनते हुए देखी थी। अब जानकार ये बता रहे हैं कि ये पूरा कारोबारी सप्ताह चने की कीमतों में ऐसे ही सीमित दायरा देखने को मिलेगा। चने की कीमतें नीचे में 5050 से लेकर ऊपर में 5300 तक देखने को मिल सकती है, और क्लोजिंग होते होते चने की जो कीमतें हैं इस कारोबारी सप्ताह वो 5200 के लेवल्स पर देखने को मिल सकती है। और ये जो चने की कीमतों में जो सीमित दायरे वाला जो रुझान है, ये भी कुछ दिन तक चल सकता है, ऐसी लगभग 1.5 से 2 हफ्ता ऐसे ही देखने को मिल सकता है। और हो भी सकता है कि 1.5 से 2 हफ्ते में चने की जो कीमतें हैं वो वीकली क्लोजिंग के बाद कुछ नीचे भी जाती हुई नज़र आए। चने में एक खरीदारी देखने में वायदा बाजारों के अंदर थोड़ा टाइम देख लग सकता है, लेकिन खरीदारी ज़रूर निकलेगी। निचले स्तर से चने में अगर खरीदारी निकलती है तो जानकारों के अनुसार चना की वायदा कीमतें 5500 से लेकर 5700 तक के लेवल्स दिखलाती हुई नज़र आ सकती है। तो चने में अगर यहाँ से गिरावट बनती है तो निचले स्तर से खरीदारी भी थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि साल 2020-21 में चने का उत्पादन का अनुमान 119.9 लाख टन का लगाया जा रहा है, और कुछ अब मानसून भी फिर से सक्रिय हुआ है। मानसून की गतिविधियों में एक बार फिर से तेज़ी देखने को मिली है, जिससे बारिश अच्छी हुई है, और इस बार दालों की जो बुआई है वो अच्छी बताई जा रही है। और दूसरा जो अगला सीज़न होगा दालों का, उसका जो भी बुआई का अनुमान अच्छा ही लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से दालों की कीमतों में कुछ प्रेशर बनता हुआ नज़र आ सकता है। और इसी के चलते चने की कीमतों में एक नरमी देखने को मिली थी, अभी भी मिल रही है। और दूसरा जो सरकार ने स्टॉक लिमिट और दालों के आयात का फैसला लिया है, उसकी वजह से भी दालों में और चने की कीमतों में कुछ दबाव बनता हुआ नज़र आया है। तो ओवरऑल रुझान अभी चने में कुछ समय के लिए एक सीमित दायरे वाला देखने को मिल सकता है।